कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? वेलकम टू इंग्लिश विद अश्विनी। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है ये मेमोराइज वोकैबुलरी का क्लास है। इसमें हम लोग वो वर्ड सीखेंगे जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन में यूज़ होते हैं, जो एक बहुत ही खास मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इन वर्ड्स को सीखने के बाद डेफिनेटली आपका जो जो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो एक दो नॉच जो है जहाँ काफ़ी नॉच ऊपर चला जाएगा। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रेगुलर सेशन होंगे हमारे इस चैनल पे, तो जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। जल्दी से जुड़ जाइए इस ग्रुप के साथ सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन गाइस। तो जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज जरा कमेंट कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट मेमोराइज वोकैबुलरी। स्टूडेंट चलिए, तो जैसे आपको पता है कि वोकैबुलरी जो है वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ओवरऑल वोकैबुलरी का परसेंटेज देखते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, जहाँ CHSL के एग्ज़ाम में, तो ये नॉर्मली जो है 30-35% रोल प्ले करेगा। और इस 30-35% के बिना जो है आपका सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल है। और दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक तो ऐसे वर्ड जो काफ़ी जल्दी जो हैं याद हो जाते हैं, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डिफ़िकल्ट है, हम उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड को डील करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुका है नदीम प्रिंस। हाय नदीम, हाय प्रिंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड हमारा, आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा बॉय, BUOY, बॉय। राइट, एक हमारे पास वर्ड होता है बॉय और एक BUOY, बॉय। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, बॉय। व्हाट डू मीन बाय बॉय? बॉय का मीनिंग होता है किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी को चेयरफुल करना, किसी को कॉन्फिडेंस किसी को देना, बॉय। राइट, जैसे आप अगर मॉक टेस्ट लिख रहे हैं और मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो दैट रिजल्ट बॉयज यू, वो रिजल्ट आपको क्या करेगा? बॉय करेगा। वो रिजल्ट आपको उत्साहित करेगा, आपके उत्साह को बढ़ाएगा। तो कीप समवन अर समथिंग अफ्लोट, इसके दो मीनिंग होते हैं बॉय के। इसका मीनिंग है उत्साह बढ़ाना किसी का, राइट। और कीप समवन अर समथिंग अफ्लोट, एक और ये मीनिंग है, जैसे कोई चीज पानी में तैरती रहती है तो उसको बॉय, ये वर्ड आया है बॉयंसी फोर्स, आपको पता होगा ना, वहीं से वर्ड है बॉय। कॉज टू बिकम चेयरफुल और कॉन्फिडेंट इज कॉल्ड बॉय। द पार्टी वॉज बॉयड बाय इलेक्शन विक्ट्री। द पार्टी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वॉज बॉयड, पैसिव वॉइस में है, बाय किससे? बाय एन इलेक्शन विक्ट्री। हाय धर्मेंद्र, हाउ आर यू? प्रिंस हाय, हेलो नदीम, बॉय। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए इसका हम ट्रिक लगाते हैं, इसको ट्रिक से मेमोराइज करते हैं। जैसे सेशन का नाम है मेमोराइज वोकैबुलरी, उसके बाद हम कुछ सिनोनियम देखेंगे इसके। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा, जब घर में किसी लड़के की शादी होती है, बॉय की शादी में सभी लोग क्या होते हैं? बॉय होते हैं। सभी लोग चेयरफुल होते हैं, सभी लोग उत्साह से भरे होते हैं। तो बॉय की शादी, घर में बॉय की शादी होगी तो सभी लोग क्या होंगे? बॉय। बॉय की शादी क्या करती है हमें? बॉय करती है। बॉय की शादी हमें क्या करेगी? बॉय करेगी। तो याद रखिए, बॉय की शादी हमें बॉय करेगी, बॉय की शादी हमें बॉय करेगी। जहाँ एक और अच्छा ट्रिक इसका लगा सकते हैं, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, इसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई नहीं, तो जब बॉय को गर्लफ्रेंड मिलेगी तो बॉय कैसा हो जाएगा? बॉय उत्साह से भर जाएगा, राइट। इज इट क्लियर टू यू? बॉय। नाउ बॉय का एक और मीनिंग होता है ब्राइट कलर। जो ब्राइट कलर है उसको भी हम बॉय कहते हैं। ओके, देयर इज वन मोर मीनिंग ऑफ बॉय, दैट इज ब्राइट कलर्ड।
वाइट कलर, ठीक है, दैट इज बॉय. इफ आई सी द सिनोनिम ऑफ इट बॉय, एक हमारे पास वर्ड होता है बॉय अप, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बॉय अप, सॉरी स्पेलिंग जो है बॉय बी यू ओ वाई बॉय अप. व्हाट डू यू मीन बाय बॉय अप? बॉय अप का मीनिंग होता है सपोर्ट करना किसी को, सपोर्ट करना जहां किसी को बूस्ट करना, जहां किसी को चीयर करना. ओके और अगर मैं इसका एंटोनियम देखता हूं तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा डिप्रेस, राइट, दैट इज बॉय. तो सिनोनियम भी आप लिख लीजिए इसके. यस, तो देखिए स्टूडेंट कैसे यूज हो रहा है ये हेडलाइन में ही. जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट निकलने वाले थे तो बीजेपी शिवसेना को पता लग गया था कि वो इलेक्शन जीतने वाले हैं, एग्जिट पोल हुए थे, तो वहां से बॉयड बाय एग्जिट पोल, बॉयड बाय एग्जिट पोल, बीजेपी सेना ऑर्डर मिठाई एंड 4 फुट केक. तो बॉयड बाय मीन चीयर्ड बाय, एनकरेज्ड बाय. गौरव कुमार, गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, ठीक है बॉय. चलें, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलोजियम. ये आपने अक्सर सुना होगा कोलोजियम, सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम होता है कोलोजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कोलोजियम, सी ओ डबल एल ए जी आई यू एम. व्हाट डू यू मीन बाय कोलोजियम? कोलोजियम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? कोलोजियम का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ एमेच्योर म्यूजिशियन स्पेशली एट अ यूनिवर्सिटी. आपने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. कोई काइट फ्लाइंग का ग्रुप होता है, कोई पेंटिंग का ग्रुप होता है, कोई एक्टिंग का होता है, वैसे ही एक म्यूजिशियन का ग्रुप होता है. कैसे म्यूजिशियन? एमेच्योर म्यूजिशियन है, तो एमेच्योर म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं? दैट इज कोलोजियम, अ ग्रुप ऑफ एमेच्योर. व्हाट डू यू मीन बाय एमेच्योर? क्या आप मुझे बता सकते हैं एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? राइट, व्हाट डू यू मीन बाय एमेच्योर स्टूडेंट? एमेच्योर का मीनिंग होता है नौ शिक्षा टाइप, जो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट वो प्रोफेशनल नहीं है, बस ऊपर ऊपर से ही वो है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज एमेच्योर. समवन हू परस्यूज अ स्टडी, ऐसा पर्सन जो एक स्टडी को परस्यू करता है, और स्पोर्ट एज अ पास टाइम, तो ऐसा पर्सन जो किसी स्टडी को या किसी स्पोर्ट को क्या करता है? परस्यू करता है, बट सिर्फ एज अ पास टाइम. ऐसा पर्सन जो किसी स्पोर्ट्स को या किसी स्टडी को परस्यू करता है एज अ पास टाइम, दैट इज कॉल्ड एमेच्योर. इफ आई सी द सिनोनिम ऑफ एमेच्योर, मैं आपको कुछ एमेच्योर के सिनोनिम बताता हूं. एमेच्योर का सिनोनिम एक बहुत अच्छा सिनोनिम है, दैट इज लेमैन. कहते हैं लेमैन की भाषा में इसे कहूंगा, जिसे कुछ नहीं पता, लेमैन की भाषा, जिसे ज्यादा पता नहीं है. डैबलर, डी ए डबल बी एल ई आर, डैबलर, ही डैबल इन लोकल पॉलिटिक्स. डैबल जो है वर्ब है. अगर आप लोकल पॉलिटिक्स में ऐसे ही पार्टिसिपेट करते हैं बट आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड डैबलर, डैबल, और यहीं से वर्ड आता है डैबलर. डैबल इज अ वर्ब एंड डैबलर इज अ नाउन. एम आई क्लियर? एक और वर्ड देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारे पास फैंसियर. आपने देखा होगा मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं वो कबूतर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, तो कबूतर, कुत्ते, जहाँ बिल्लियों को पालने वाले जो लोग होते हैं इन्हें हम फैंसियर कहते हैं, फैंसियर, फैंसियर कहते हैं. तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ
एंड देयर इज वन मोर वर्ड, वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, डिलेटेंट. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिलेटेंट. तो ये सिनोनियम है किसके, एमेच्योर के. एमेच्योर मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, जो नॉन प्रोफेशनल है दैट इज कॉल्ड एमेच्योर, राइट. एंड दैट इज डिलेटेंट, दैट इज लेमैन, दैट इज फैंसिया, ठीक है. और इसका एंटोनियम अगर मैं देखूं तो दैट शुड बी प्रोफेशनल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अब स्टूडेंट इसको याद कैसे रखेंगे, कोलोजियम. तो इसका ट्रिक देखिए, हम लोग कॉलेज में, कॉलेज सी ओ डबल एल ई जी, कॉलेज में जो हम लोग एक ग्रुप बनाते थे वो ग्रुप कैसा था, कोलोजियम. कॉलेज में हमारा म्यूजिशियन का ग्रुप इज कोलोजियम. तो कॉलेज में हमारे म्यूजिशियन का ग्रुप कोलोजियम, कॉलेज में हमारे म्यूजिशियन, हमारे म्यूजिशियन का ग्रुप इज कोलोजियम. कॉलेज में हमारे म्यूजिशियन का ग्रुप क्या हो गया, कोलोजियम. कॉलेज में हमारे म्यूजिशियन का ग्रुप इज कोलोजियम, राइट. कॉलेज में हमारे म्यूजिशियन का ग्रुप इज कोलोजियम, ठीक है. देखिए जरा, यूनैनिमस डिसीजन. यूनैनिमस मतलब होता है एक मत से, हेडलाइन में यूज किया गया यूनैनिमस डिसीजन. ओके, सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने कहा कि कैसा डिसीजन था, इट वॉज अ यूनैनिमस डिसीजन. What do you mean by unanimous? Unanimous, unanimity, unanimously. Unanimous is an adjective. Unanimity is a noun and unanimously is an adverb. ठीक, what do you mean by unanimous? Unanimous mean होता है अगर कोई काम हम लोग एक साथ मिलके करते हैं, उसमें कोई भी friction नहीं है, हमारी opinion में कोई भी division नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनैनिमस. दैट इज कॉल्ड यूनैनिमस. यूनैनिमस का एक सिनोनिम होता है यूनाइटेड. यूनैनिमस का सिनोनिम है हमारे पास यूनाइटेड. एम आई क्लियर टू यू? देयर इज अ वन मोर वर्ड फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड. अगर हम लोग सभी मिलकर एक काम करते हैं तो उस काम को, उस अप्रोच को क्या कहेंगे, हमारी अप्रोच कैसी है, कंसर्टेड अप्रोच है. कैसी अप्रोच, कंसर्टेड. कंसर्टेड सभी लोग मिलके काम करते हैं, जहां इन अग्रीमेंट, जहां कंसिस्टेंट, जहां हारमोनियस. तो अब ये तीन वर्ड याद रखिए यूनैनिमस के लिए, कौन कौन से, यूनाइटेड है, कंसर्टेड है और हारमोनियम है. तो यूनाइटेड तो आपको पता है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड. एंड देयर इज वन मोर वर्ड, इन अकॉर्ड. इन अकॉर्ड, अगर हम लोग काम को सहमत करते हैं, सहमत होकर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन अकॉर्ड. और कॉनकॉर्डेंट, राइट, इन अकॉर्ड, कॉनकॉर्डेंट. तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो, आपको बाकी पता लगेगा. यूनैनिमस मीन होता है एक मत में, कंसर्टेड एक साथ मिलके, हारमोनियसली एक साथ मिलके, इन एक ऑर्डर, कंसर्टेड. नेक्स्ट, स्पेल, एस पी ई डबल एल, स्पेल. स्पेल का मीनिंग क्या होता है, स्पेल का एक मीनिंग होता है गाइस हमारे पास, जल्दी से इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए जो भी देख रहे हैं, सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन अस. ओके, तो स्पेल, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेल. ये आजकल काफी ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो स्पेल ऑफ हीट. तो क्या कहेंगे हम लोग, स्पेल ऑफ हीट, राइट. स्पेल ऑफ हीट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेल. अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ एन एक्टिविटी. स्पेल ऑफ सनी वेदर, स्पेल ऑफ कोल्ड वेदर, स्पेल ऑफ स्नो, स्पेल ऑफ हीट. तो स्पेल मतलब अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड स्पेल. जैसे स्पेल ऑफ कोविड 19 वायरस, तो अक्सर मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्पेल, एस पी ई डबल एल,
इज इट क्लियर टू यू? स्पेल ओके, देयर इज वन. चलिए हम लोग इसका सिनोनिम, इसका ट्रिक लगाते हैं. स्पेल, आप पिछले काफ़ी दिनों से वर्ड्स के स्पेलिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पेलिंग सीखने के लिए जो आप कंटिन्यूस पीरियड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? स्पेल. तो याद रखिए, स्पेलिंग सीखने के लिए आप जो कंटिन्यूस एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पेल. तो स्पेलिंग सीखने के लिए आप जो कंटिन्यूस एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज स्पेल. स्पेलिंग सीखने के लिए जो आप कंटिन्यूस एक्टिविटी कर रहे हैं दैट एक्टिविटी इज स्पेल. एम आई क्लियर टू यू? स्पेलिंग सीखने के लिए जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं दैट एक्टिविटी इज स्पेल. उस एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा? स्पेल कहा जाएगा. तो इसका ट्रिक भी हमारे पास आ गया. स्पेलिंग सीखने के लिए आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं दैट एक्टिविटी इज स्पेल. यस, बॉलिंग स्पेल. बिल्कुल, विजेंद्र ने बहुत अच्छा एक यूजेज बताया इसका. बॉलिंग स्पेल होता है. वेरी गुड विजेंद्र, बस इसी तरह से आप इन्वॉल्व रहिए क्लास में. बॉलिंग स्पेल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही. स्पेल का एक और मीनिंग होता है गाइज, अगर आपको पता होगा, किसी पर जादू करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? स्पेल कहते हैं. ओके, मंत्र पढ़ते हैं, ही इज अंडर द स्पेल, जिसे हम चार्म कहेंगे, राइट? बिविचरी, ट्रांस, स्पेल. देयर इज वन मोर मीनिंग ऑफ स्पेल, ये भी है स्टूडेंट. एक वर्ड होता है हमारे पास स्पाइट. दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में बारिश हो गई कल, और उस बारिश से हमें दिल्ली के लोगों को क्या मिला? एक रिस्पाइट मिला. रिस्पाइट मतलब होता है थोड़े समय के लिए जो हमें छुटकारा मिलता है किसी काम से, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट. एक टेम्पररी रिलीफ होता है जो हमें मिलता है, दैट टेम्पररी रिलीफ इज कॉल्ड रिस्पाइट. अ टेम्पररी रिलीफ From harm or discomfort is called respite. तो what do you mean by respite? एक temporary relief होता है, एक temporary relief है. Yes, बिल्कुल राहत, बिल्कुल विजेंद्र सही, राहत बिल्कुल सही है. From harm or discomfort, the refugee encampment, जो refugee के camps थे, will provide some respite from द सफरिंग. तो रिस्पाइट मतलब होता है राहत. इसके हम पहले सिनोनियम देखते हैं और फिर हम इसका ट्रिक लगाते हैं, ठीक है? तो इफ यू सी द सिनोनियम ऑफ इट, इसका एक सिनोनियम होता है रिप्रीव. इसका एक सिनोनियम होता है रिप्रीव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनियम स्टूडेंट. इस सिनोनियम को आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिनोनियम्स, बिकॉज ये सिनोनियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर एग्जाम टफ भी थोड़ा पेपर सेट होता है तो आप अगर ये सिनोनियम आपने लिख के रखे हैं तो आपको जो है काफ़ी इजी रहेगा. तो इसका सॉरी गाइस, सॉरी. तो इसका एक सिनोनियम होता है हमारे पास रिसेस. जैसे आपको पता होगा ना, क्लास में रिसेस होती थी, स्कूल में चार पांच पीरियड होते, उसके बाद रिसेस होती थी. रिलैक्सेशन है, ओके, इंटरप्शन है, हॉल्ट, कोई चीज रुक जाती है, गैप, लल, लल इन फाइटिंग. तो लाइट पर काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, उसके बाद काफ़ी समय तक टेररिस्ट अटैक नहीं हुए, अभी फिर दोबारा होने रहे, होते रहे, तो उसको क्या कहते हैं? लल. देयर वाज अ लल. लल मतलब होता है थोड़े समय के लिए जो रोक होती है उसे क्या कहते हैं? लल. लल ऑफ लल इन टेररिस्ट अटैक. देयर वाज लल इन फाइटिंग. लल मतलब होता है थोड़ा सा जो रुकावट होती है. और इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है रिप्रूव, रिप्रीव. दैट वर्ड इज रिप्रीव. वर्ड क्या है हमारे पास? रिप्रीव है. एक वर्ड है ट्रूस. ट्रूस आपने सुना होगा, महाभारत की लड़ाई में दिन में लड़ाई होती थी और शाम को सूर्यास्त के बाद जो है कौरवों और पांडवों के बीच में ट्रूस हो जाता था. तो ट्रूस इज अ सिनोनिम ऑफ इट. ससेशन और हाइएटस,
ये सिनोनियम है इसके, ठीक है। तो रिप्रीव, रिप्रीव मतलब है टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम हार्म और कंफर्ट। सिनोनिम्स आर रिसेस, हाल्ट, लल, रिप्रीव, ट्रूस, ससेशन एंड हाइएटस। बहुत गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, इट्स वेरी हॉट इन दिल्ली। तो आप अगर कहेंगे, पूछेंगे कि रिस्पाइट कैसे मिलेगा, तो मैं कहूँगा आपको एक काम करो, रस पियो, जस्ट स्प्राइट पियो। तो रस और स्प्राइट पीने से आपको दिल्ली के मौसम में क्या मिलेगा, रिस्पाइट मिलेगा। तो रस और स्प्राइट पीने से आपको रिस्पाइट मिलेगा दिल्ली के मौसम में। तो रस और स्प्राइट पीने से आपको क्या मिलेगा, रिस्पाइट मिलेगा। तो रस और स्प्राइट, तो कुछ लोगों को तो ये फोटो देख के रिस्पाइट मिल जाएगा, आप में से काफी सारे लोगों को। तो रस और स्प्राइट पी के आपको क्या मिलेगा, रिस्पाइट मिलेगा। अब देखिए दोनों वर्ड एक साथ यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन से, स्पेल और स्पाइट। देखिए अनदर हॉट डे बट रेन स्पेल में ऑफर रिस्पाइट। अनदर हॉट डे, एक और गर्म दिन, बट रेन स्पेल, ये जो रेन का पीरियड था, में ऑफर रिस्पाइट, थोड़ी सी रिस्पाइट देगा हमें, ठीक है, ओके। तो इट वॉज अनदर हॉट डे इन द कैपिटल ऑन संडे। देखिए संडे जो है ये हमारे डे हैं, और डे के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ठीक। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। देखिए जरा इसको थोड़ा सा एनालाइज करें हम लोग। इट वॉज अनदर हॉट डे इन द कैपिटल, कैपिटल सिटी में, राजधानी में, तो एक कैपिटल बड़ी है, तो बड़ी जगह के लिए क्या आता है हमारे पास, इन आता है, बड़ी जगह के लिए क्या आता है, इन आता है। तो इन द कैपिटल ऑन संडे विद अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट 40.5 डिग्री सेल्सियस, टू नॉचेस। व्हाट डू यू मीन बाय नॉच, सो नॉच का मीनिंग क्या होता है, नॉच होता है एक दो लेवल की बात होती है, ही इज अ नॉच अप और अ नॉच बिलो, अबव नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट देखिए, असॉल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट, असॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, असॉल्ट का मीनिंग होता है टू अटैक समबडी, अ सडन मिलिट्री अटैक इज कॉल्ड असॉल्ट। यहीं से वर्ड आता है असेलेंट, असेलेंट मतलब होता है जो असॉल्ट करता है, जो अटैक करता है। अ सडन मिलिट्री अटैक इज कॉल्ड असॉल्ट, ठीक है, ओके। द क्राइम ऑफ फोर्सिंग अ वुमेन टू सबमिट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट हर विल इज कॉल्ड असॉल्ट, कहते हैं ना, इट वॉज एन असॉल्ट ऑन हर, इट वॉज एन असॉल्ट ऑन हर मोडेस्टी, मोडेस्टी। तो असॉल्ट मतलब होता है एक सडन अटैक, अचानक से अटैक है। द क्राइम ऑफ फोर्सिंग अ वुमेन टू सबमिट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट हर विल इज कॉल्ड असॉल्ट। तो यहीं से यूज किया जाता है सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। इट वॉज अ वर्बल असॉल्ट, वर्बल असॉल्ट मीन किसी को गाली देना, बातों से किसी पर अटैक करना, राइट। तो इसका ट्रिक लगाते हैं हम लोग, गांधी जी थे, गांधी जी ने सॉल्ट पर असॉल्ट किया, तो गांधी जी ने हमारे सॉल्ट पर असॉल्ट किया, तो गांधी जी ने हमारे सॉल्ट पर अटैक किया, गांधी जी ने हमारे सॉल्ट पर, गांधी जी ने ये जो सॉल्ट का कानून था, राइट, गांधी जी ने सॉल्ट के कानून पर क्या किया, असॉल्ट। तो गांधी जी ने सॉल्ट के कानून पर असॉल्ट किया, राइट, गांधी जी ने सॉल्ट के कानून पर क्या किया, असॉल्ट किया, गांधी जी ने सॉल्ट के कानून पर असॉल्ट किया। रिलेटेड टू सेक्स इज सेक्सुअल, गांधी जी ने सॉल्ट पर असॉल्ट किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉप, पी आर ओ बी ई, प्रॉप। प्रॉप का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉप, इन्वेस्टिगेशन। जैसे दिल्ली में दंगे हुए तो पुलिस प्रॉप कर रही है, तो जांच पड़ताल करना इज कॉल्ड प्रॉप। इट इज अ नाउन एज वेल एज वर्ब, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इन्वेस्टिगेट थॉरली टू सी इफ ट्रू इज कॉल्ड प्रॉप, पी आर ओ बी, प्रॉप, राइट। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पड़ताल करते हैं, प्रॉप करते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
पुलिस प्रॉब करती है। तो ट्रिक याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुलिस क्या करती है, प्रॉब करती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुलिस प्रॉब करेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुलिस प्रॉब करेगी। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस लिंक पर टाइप क्लिक करके उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि जब हम मटेरियल शेयर करें कोई तो आपके पास वो मटेरियल पीडीएफ वगैरह पहुंच जाए। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया, प्रॉब किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब, राइट, इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं। इफ आई सी द सिनोनिम ऑफ प्रॉब, तो सिनोनिम ऑफ प्रॉब इन्वेस्टिगेशन एक इसका सिनोनिम है, राइट, स्क्रूटिनाइज इसका एक सिनोनिम है, एग्जामिन करना, स्टडी करना, इंक्वायर, एनालाइज करना किसी चीज को, रिसर्च करना, लुक इन टू, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लुक इन टू, लुक इन टू इज अ सिनोनिम। यस, प्रॉब के सिनोनिम बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं नदीम। देखिए, एक प्रॉब का सिनोनिम है लुक इन टू, राइट, वेरी गुड सिनोनिम ऑफ प्रॉब, लुक इन टू। ठीक, एक है सिफ्ट, सिफ्ट करना, जैसे आपने देखो ना छन्नी में आटे को डाल के छन्नी को हिलाते हैं तो उसमें से जो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, उसे बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिफ्ट, सिफ्टिंग होता है। सेक्सुअल में रिलेटिंग टू सेक्स, गौरव, रिलेटिंग टू सेक्स, सेक्सुअल, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट, सेक्सुअल असॉल्ट। चलिए, सिफ्ट, सिफ्टिंग करना, राइट, सिफ्ट करना, टेस्ट, इसका एक होता है इंक्विस्ट, इंक्विस्ट, इन्वेस्टिगेशन इसका सिनोनिम है, एनालाइज करना, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना इसका, अब सिनोनिम इसका यूजेज देखिए कहाँ पे यूज हो रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर का यूजेज है ये गाइस, उज़्बेक वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट, प्रॉब बिगिंस, उज़्बेक वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट, प्रॉब बिगिन, एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट इज लुकिंग इन टू, मैंने ये बताया ना लुक इन टू, इन्वेस्टिगेट करना। द एलेजेड, एलेजेड मतलब होता है किसी पर इल्जाम लगाना बट बिना प्रूफ के, विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम लगाना, सेक्सुअल असॉल्ट अ उज़्बेक वुमेन बाय टू कस्टम ऑफिशियल एट आईजीआई एयरपोर्ट। तो एट भी आप समझ लीजिए, छोटी जगहों के साथ एट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, बेल आउट, व्हाट डू यू मीन बाय बेल आउट, बताइए जरा बेल आउट का मीनिंग क्या है। यस, डाइसेक्ट मतलब होता है काटना, डाइसेक्ट मीन टू कट, बिल्कुल डाइसेक्ट भी आ सकता है। बेल आउट, व्हाट डू यू मीन बाय बेल आउट। स्टूडेंट देखिए, अगर ऐसा हो कि आप एक बोट पे हैं और बोट के अंदर पानी चला गया है तो आप बाल्टी से बोट में से पानी बाहर निकालते हैं, तो बाल्टी से बोट में से पानी बाहर निकालने को क्या कहेंगे, बेल आउट कहेंगे, दैट इज बेल आउट। ठीक है, दिस इज बेल आउट। तो नाव में से पानी निकालना, इसको बेल आउट, रिमूव वाटर फ्रॉम अ बोट बाय डिपिंग इट एंड थ्रो ओवर द साइड इज कॉल्ड बेल आउट, राइट। और यही से इसका दूसरा मीनिंग भी आता है, किसी को मुश्किल से बाहर निकालना, जैसे पाकिस्तान को हर 2-4-5 महीने बाद जो है लोन की जरूरत पड़ती है बेल आउट करने के लिए अपने आप को। ठीक, तो बेल आउट मीन रिमूव वाटर फ्रॉम अ बोट बाय डिपिंग और थ्रोइंग ओवर द साइड इज कॉल्ड बेल आउट। बेल अस आउट, हमें बाहर निकालो। जेपी बायर्स एट जंतर मंतर सी गवर्नमेंट हेल्प, तो जेपी ग्रुप के जो बायर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। बेल आउट का एक और मीनिंग होता है फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन टू अ फेलिंग बिजनेस। बेल आउट पैकेज होता है ना,
बेलआउट पैकेज दिया जाता है, जैसे विजय माल्या अपनी एयरलाइंस के लिए बेलआउट पैकेज मांग रहा था, अभी जेट एयरवेज अपनी एयरलाइन के लिए बेलआउट पैकेज मांग रहे थे, अभी IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का बेलआउट पैकेज दिया है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू अ फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स इज कॉल्ड बेलआउट। तो जो बिजनेस फेल हो रहे हैं, इकोनॉमीज फेल हो रही हैं, उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए जो फाइनेंशियल पैकेज दिए जाते हैं, दोस पैकेजेस आर कॉल्ड बेलआउट। एम आई क्लियर? विजिलांटी, व्हाट डू यू मीन बाय विजिलांटी? विजिलांटी का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, वो लोग कानून हाथ में लेते हैं और क्रिमिनल को सजा देते हैं, तो ऐसे लोगों को विजिलांटी कहते हैं। जैसे कौ विजिलांटी अक्सर यूज किया जाता है गौ रक्षक के साथ, ओके, दैट इज कॉल्ड विजिलांटी। तो विजिलांटी ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो समझते हैं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है और ये उनकी ड्यूटी है कि वो क्रिमिनल्स को पकड़े और उन्हें मारे, उन्हें सजा दे। जैसे कॉमिक्स में होते हैं नागराज, डोगा, सुपर कमांडो ध्रुव, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सारे क्या है? विजिलांटी हैं। तो निगरानी समिति सदस्य, जैसे आपने देखा हो मोहल्ले में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं और चोर पकड़ा नहीं जा रहा है, तो मोहल्ले के लड़के जो है वो ग्रुप बना के निगरानी करते हैं। तो वो जो ग्रुप बना के निगरानी करते हैं, उन ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? विजिलांटी, समवन हु पनिशेस परसीव्ड लॉ ब्रेकर हिमसेल्फ रादर देन रिलाइंग ऑन द अथॉरिटीज कॉल्ड विजिलांटी। तो चलिए इसका एक ट्रिक लगाते हैं। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है और ये लगभग इंडिया के हर सिटी के हर मोहल्ले में हुई है। आपने भी सुनी होगी कि एक लड़कियों का कॉलेज है, उस लड़कियों के कॉलेज के बाहर कुछ मजनू जो हैं खड़े हो जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं आते जाते हैं। मोहल्ले में एक इंस्पेक्टर आई है, सिटी में एक इंस्पेक्टर आई है, उसका नाम है बिजली। और वो बिजली आंटी क्या करती है, कॉलेज के बाहर खड़े होके लड़कों को पकड़ लेती है और लड़कों के सर को मुंडवा देती है जो भी वहाँ पे ओके लड़कियों को तंग करते हैं। तो बिजली आंटी जो है, ये वो बिजली आंटी है। तो याद रखिए इसका ट्रिक, बिजली आंटी विजिलांटी है। बिजली आंटी जो है वो क्या करती है, क्रिमिनल को, लॉ ब्रेकर्स को पकड़ के उन्हें पनिशमेंट देती है। तो बिजली आंटी कैसी है? विजिलांटी है। बिजली आंटी इज विजिलांटी, राइट। देखिए अब किस तरह से यूज किया गया है, मैन शॉट डेड, मैन को गोली मार दी गई और गोली मार के मार दिया गया। को विजिलांटी ब्लेम्ड, सारा ब्लेम किस पे आ रहा है, को विजिलांटी पे, ठीक है। अ सिविलियन वॉज शॉट डेड एंड अनदर इंजर्ड बाय आर्म्ड ग्रुप इन चिनाब वैलीज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चैरियट, व्हाट डू यू मीन बाय चैरियट? चैरियट का मीनिंग क्या होता है? यस गाइस, कैन यू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरियट? यस, चैरियट का मीनिंग होता है रथ, फोर व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन सेरेमोनियल कैरेज इज कॉल्ड चैरियट। रथ को क्या कहते हैं? चैरियट कहते हैं। चैरियट ऑफ अर्जुन, अर्जुन का चैरियट, राइट, चैरियट। तो चार टायरों वाला रथ, चार CHR, ट्रिक लगाइए इसका, चार टायर वाला रथ क्या है? चैरियट है। तो चार टायरों वाला रथ इज चैरियट, ट्रिक याद रखिए, चार टायरों वाला रथ चैरियट है, चार टायरों वाला रथ चैरियट, चार टायरों वाला रथ चैरियट। भगवान की अगर अंधेर देर है, अंधेर नहीं है, आपकी भी शादी होगी तो शादी में रथ पे चढ़ के जाते हैं ना, तो वो जो बड़ा सा रथ है शादी का, उसे क्या कहते हैं? चैरियट कहते हैं। तो चार टायरों वाला रथ इज चैरियट, तो चार टायरों वाला रथ चैरियट है, राइट।
नेक्स्ट देखिए, स्टॉप फेलिंग ट्रीज फॉर पुरी चैरियट रिसर्च सेंटर. रिसर्च सेंटर ने कहा कि पुरी में जो रथ बनता है, आपको पुरी की यात्रा के बारे में पता होगा, रथ यात्रा जो निकलती है, तो पुरी की रथ यात्रा के लिए जो वहाँ पे रथ बनता है उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं. तो रिसर्च ग्रुप कह रहे हैं कि पेड़ काटना बंद करो. स्टॉप फॉलिंग ट्रीज फॉर पुरी चैरियट रिसर्च स्कॉलर, इट टेक्स ईयर्स फॉर देम टू ग्रो बैक. एम आई क्लियर टू यू? नेक्स्ट, बस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय बस्ट? स्टूडेंट हर वर्ड को हेडलाइन में बताएंगे, वे बहुत सारे वर्ड्स हैं. हम नेक्स्ट क्लास में जो है एंटोनियम्स सिनोनिम्स कुछ लेंगे, ठीक है? तो हर दिन जो है चेंज करते रहेंगे हम लोग, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं एसएससी सीजीएल बैंक पीओ के एग्जाम में सारे कवर करेंगे हम लोग. स्टूडेंट बस्ट का एक मीनिंग होता है, एक स्टैचू होता है, यहाँ तक का आधा स्टैचू जो है इसको बस्ट कहते हैं. अपर पार्ट ऑफ वोमेन, वोमेन के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं. राइट, स्टैचू. एक इस बस्ट का मीनिंग होता है अरेस्ट करना, जैसे गैंग को बस्ट किया जाता है उसे अरेस्ट किया जाता है. और एक मीनिंग होता है तोड़ना. सपोज आपकी घड़ी नीचे गिरी और टूट गई, तो यू बस्ट योर वॉच. तो बस्ट के तीन मीनिंग होते हैं हमारे पास, एक तो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी बस्ट, टू अरेस्ट समबडी बस्ट, एंड थर्ड टू ब्रेक समथिंग इज कॉल्ड बस्ट. आई बस्टेड माई वॉच यस्टरडे, मेरी वॉच टूट गई, बस्ट. तो यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है? गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना. सम रोडिज वर बस्टेड फॉर ड्रग्स, कुछ रोडिज को अरेस्ट किया गया, करेक्ट, उसे क्या कहेंगे? बस्ट कहेंगे. तो आपने देखा होगा कि जो बस स्टॉप होते हैं, बस स्टॉप पे बहुत सारे गैंग्स, बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे असामाजिक तत्व जो हैं वो काम करते हैं. राइट, तो बस स्टॉप पे गैंग को क्या किया गया? बस्ट किया गया. तो याद रखिए, बस स्टॉप के गैंग को क्या किया गया? बस्ट किया गया. बस स्टॉप के गैंग को बस्ट किया गया. विजेंद्र आज वो फर्स्ट क्लास था तो उसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है? अभी प्लेलिस्ट बना नहीं है. ओके, दो तीन क्लासेस होने तो फिर उसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है? डोंट वरी. तो बस स्टॉप के गैंग को बस्ट किया गया. बस स्टॉप के गैंग को क्या किया गया? बस्ट किया गया. बस स्टॉप पर जो गैंग था उसे बस्ट किया गया. राइट, ठीक है. बस्ट का मीनिंग सीज, जब्त करना, रेप्रिहेंड करना, अरेस्ट करना, डिटेन करना, इसके सिनोनियम है बस्ट के. तो सीज, पकड़ लेना, एप्रिहेंड करना, अरेस्ट करना. द क्रिमिनल वॉज एप्रिहेंडेड. देखिए लो, ग्लोबल ड्रोन स्मगलर गैंग बस्टेड. तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी DRI ने जो है एक ग्लोबल ड्रोन स्मगलर का गैंग है उसे बस्ट किया, उसे क्या किया? अरेस्ट किया, उसे पकड़ा. ये गैंग कहाँ कहाँ पे काम करता था? नेटवर्क ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, दैट हैड बीन एंगेज्ड इन स्मगलिंग हाई एंड ड्रोन्स. फैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्शन? फैक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप में जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, उन्हें फैक्शन कहेंगे. तो अगर हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है तो बड़े ग्रुप में ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप क्या कहे जाएंगे? द स्मॉल ग्रुप्स आर कॉल्ड फैक्शन. ये छोटे छोटे ग्रुप्स को क्या कहा जाएगा? फैक्शन कहा जाएगा, ठीक. दल या गुट, दल और गुट को क्या कहा जाता है? फैक्शन कहा जाता है. एन ऑर्गेनाइज्ड, ओके, डिसेंटिंग ग्रुप विद इन लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड फैक्शन. बड़े ग्रुप में एक छोटा ग्रुप होता है, दैट स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड फैक्शन. बड़े ग्रुप में एक छोटा ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड फैक्शन. तो इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग. आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते, स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होती थी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. तो अलग अलग सेक्शंस, क्लास की अलग अलग सेक्शंस को क्या कहेंगे? फैक्शंस कहेंगे. तो स्कूल में डिवीजन है बॉयज़ का, गर्ल्स का,
राइट, फिर सेक्शन ए सेक्शन बी है, फिर सेक्शन ए सेक्शन बी है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन इज फैक्शन, राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन इज फैक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन फैक्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस फैक्शंस। स्प्लिंटर ग्रुप जिसे हम कहते हैं इसका सिनोनिम है ऐसा ग्रुप जो अलग निकला है, जिंजर ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिंजर ग्रुप, इसका सिनोनिम है फ्रिक्शन ग्रुप, जिंजर ग्रुप। जंग कबाल, कबाल एक छोटा सा ग्रुप होता है जो एक पॉलिटिकल पावर लेने की कोशिश करता है, कबाल इज अ स्मॉल ग्रुप जो एक पॉलिटिकल पावर लेने की कोशिश करता है, उस छोटे से ग्रुप को क्या कहेंगे, कबाल कहेंगे, अ स्मॉल ग्रुप विच ट्राइज टू ग्रैब पॉलिटिकल पावर इज कबाल। ठीक है, देखिए उल्फा फैक्शन मेंबर अरेस्टेड, उल्फा ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट का एक टेररिस्ट ग्रुप है उसके फैक्शन के मेंबर्स को क्या अरेस्ट किया गया फ्रॉम गुवाहाटी, फॉर गुवाहाटी ग्रेनेड अटैक, तो गुवाहाटी में कोई ये ग्रेनेड अटैक हुआ था उसके लिए उल्फा का जो फैक्शन मेंबर है, मतलब उल्फा का मेंबर नहीं उल्फा का एक छोटा ग्रुप है उसके फैक्शन मेंबर को अरेस्ट किया गया। टैंगो, व्हाट डू यू मीन बाय टैंगो, टैंगो का क्या मीनिंग होता है, कैन यू टेल मी गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैंगो, टैंगो का मीनिंग क्या है, यस टैंगो का मीनिंग होता है इट्स अ टाइप ऑफ डांस, ये एक तरह का डांस है टैंगो, राइट, अ डांस ऑफ लैटिन अमेरिकन ओरिजन, लैटिन अमेरिकन ओरिजन का एक डांस है दैट इज कॉल्ड टैंगो, अ डांस ऑफ लैटिन अमेरिकन ओरिजन इज कॉल्ड टैंगो, दो लोगों की जरूरत होती है टैंगो करने के लिए, तो यहीं से इसका यूजेज आता है, इसका एक idiom है इट टेक्स टू टू टैंगो। दोनों हाथों से ताली बजती है इट टेक्स टू टू टैंगो, टैंगो करने के लिए दो हाथों से दो लोग चाहिए, तो दो लोग दोनों हाथों से ताली बजती है। सपोज आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी तो ऐसा नहीं कि सारा कसूर उसी का है, आपका भी कसूर हो सकता है, राइट, दैट इज कॉल्ड टैंगो, तो दो लोगों की लड़ाई टैंगो। देखिए किस तरह से यूज हुआ है, वेस्ट बंगाल टैंगो, द इलेक्शन कमीशन हैज जंक्ड इवन द प्रिटेंस ऑफ न्यूट्रलिटी इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथों से ताली बजती है। मजल, ये अक्सर यूज करते हैं अभी आजकल जो मीडिया है मोदी के अगेंस्ट में, वो अक्सर ये वर्ड यूज करता है कि मोदी ने मीडिया को मजल कर दिया है, मोदी ने मीडिया का मुंह बंद कर दिया है, मजल, किसी को मजल करना किसी का मुंह बंद कर देना, राइट, मजल मीन किसी का मुंह बंद करना, मजल मुंह बंद करना, प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग आउट टू वन इज कॉल्ड मजल, मीडिया हैज बीन मजल। ट्रिक देखिए, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को मजल कर देगा ना, मसल, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को मजल करेगा, तो याद रखिए इसका ट्रिक, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को क्या करेगा, मजल, तो मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को मजल कर देगा, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को क्या करेगा, मजल, राइट, तो मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को क्या कर देगा, मजल, मसल, मजल, ठीक है, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को क्या करेगा, मजल करेगा, इज इट क्लियर टू यू, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज को क्या करेगा, मजल। चलिए सिनोनिम इसके क्या है, स्टाइफल, स्टाइफल होता है किसी का दम घुटना, जैसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि दम घुट रहा था, मुंह बंद हो गया, स्टाइफलिंग सिक्योरिटी, द हीट इज स्टाइफलिंग, स्टाइफलिंग हीट है, गर्मी कितनी है, स्टाइफल करने वाली गर्मी है, स्टाइफलिंग हीट, ओके। गैग, ये अक्सर यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, गैग ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस विषय में कुछ लिखा नहीं जाएगा, इस विषय में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी मीडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड गैग,
गैग ऑर्डर कहते हैं, म्यूट करना, ये तो आपको पता है सिनोनियम। इलेक्शन कमीशन मजल्ड बाय बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो वो बीजेपी के द्वारा मजल किया गया है। तो याद रखिए, मसल वाला व्यक्ति आपकी आवाज़ को क्या करेगा, मजल करेगा। बैन ऑन कैंपेनिंग इन वेस्ट बंगाल इज अ डार्क स्पॉट ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेज, व्हाट डू यू मीन बाय रेज, रेज का मीनिंग क्या होता है, रेज का मीनिंग होता है गुस्सा, अचानक से जो गुस्सा आता है आपको, दैट इज कॉल्ड रेज। अक्सर आपने सुना होगा रोड रेज, रोड पे लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है, वो जो रोड पे लोगों के साथ लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं रोड, दिल्ली में तो काफ़ी रोड रेज के केसेस होते हैं, तो रोड रेज, ओके, वेरी इंटेंस रेजिंग बैटल रेज, और रेज का एक मीनिंग होता है आग, वेरी इंटेंस फायर, वेरी इंटेंस आग की तरह, रेजिंग बैटल राइट, बहुत इंटेंस रेज, वेरी वेरी इंटेंस इस रेज, बहुत ही इंटेंस है, कैसा है रेज है, रेजिंग बैटल, ठीक, एंगर फ्यूरियस रेज, बिल्कुल। हमारे पास एक वर्ड होता है इन्फर्नो, इन्फर्नो का मीनिंग बताइए जरा क्या होता है स्टूडेंट्स, नदीम गौरव कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ इन्फर्नो, इन्फर्नो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फर्नो, इन्फर्नो का मीनिंग होता है बहुत बड़ी आग, अ ह्यूज फायर इज कॉल्ड इन्फर्नो, अ लार्ज फायर इज इन्फर्नो, अ लार्ज फायर दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल इज इन्फर्नो, बहुत बड़ी आग है दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल, दैट फायर इज कॉल्ड इन्फर्नो, बहुत बड़ी आग को क्या कहेंगे, इन्फर्नो। तो पहले हम इसका, ओके, रेज, तो रेज का जो मीनिंग जो मैंने आपको एक और मीनिंग बताया है एंगर रेज, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसका ट्रिक लगाते हैं इन इस फर्नस में, इन फर्नस में क्या है, इन्फर्नो है, बहुत बड़ी आग है, इन फर्नस में इन्फर्नो बहुत बड़ी आग, इन फर्नस में क्या है, इन्फर्नो है, बहुत बड़ी आग है, तो इस इन फर्नस में इन्फर्नो बहुत बड़ी आग, इन फर्नस में इन्फर्नो है, बहुत बड़ी आग है। देखिए रेजिंग इन्फर्नो, बहुत बड़ी आग लगी हुई है, रेजिंग इन्फर्नो, रेजिंग इन्फर्नो, एम आई क्लियर टू यू, रेजिंग इन्फर्नो, रेजिंग इन्फर्नो राइट, रेजिंग इन्फर्नो। ठीक है तो स्टूडेंट्स, इतना काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी, कल मिलते हैं हम लोग सुबह, कल क्लास होगी हमारी एट 10 o'clock, कल 10 बजे, उसमें मैं कल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लेते हैं। ठीक है तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बस इस तरह से बने रहिए और स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो लिंक को शेयर करिए, सो दैट ये चैनल जो है और भी बड़ा बने। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू, गुड नाइट एवरीबडी, गुड नाइट।